बालिका वधू भाग एक। शर्मन के पड़ोस में रहने वाली रानी के साथ अक्सर मुलाकात होती थी। माँ बाबूजी के आने से पहले छज्जे पर जाकर रानी को आवाज लगाकर घर में बुला लेता हूँ, फिर दोनों ढेर सारी बातें करेंगे। और शर्मन छत पर जाकर पड़ोस के घर में रह रही रानी को आवाज लगाता है, जिसे वह बहुत ज्यादा ही पसंद भी करता था। रानी, रानी कहाँ हो तुम? जल्दी सुनो ना रानी। और रानी इठलाती हुई छत पर आती है। हाँ, क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? माँ ने सुन लिया ना, तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा मगर मेरा ब्याह जरूर हो जाएगा। ऐसे कैसे करवा देंगे तुम्हारी शादी? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें भगाकर कलकत्ता ले जाऊंगा, बस तुम लिट्टी चोखा बनाना अब सीख ही लो। तुम भी ना कभी मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अब बताओ क्या हुआ है, क्यों चिल्ला रहे थे इतना तुम? अरे रानी, आज माँ बाबा बाहर गए हैं और रात होने पर ही दोनों लौट कर आएंगे, तब तक मैं घर में एकदम अकेला हूँ। क्यों ना आज हम दोनों साथ बैठकर कोई अच्छी फिल्म देखें? ना बाबा ना, माई ने अगर पकड़ लिया तो मेरा घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, मैं नहीं आ सकती। पर शर्मन रानी को आने के लिए मना लेता है और रानी अपनी माँ के पास जाती है। माँ, कल मास्टर जी गणित की परीक्षा लेने वाले हैं, तो क्या मैं मधु के यहाँ जाकर पढ़ लूँ? ठीक है जा, मगर बखत पर वापस आ जाना, वरना तेरे बाबूजी ने अगर तुझे बाहर भटकता देख लिया तो फिर तू उनका गुस्सा जानती है ना। और रानी बड़ी ही खुश होकर बचते बचाते शर्मन के घर में जा पहुंची। शर्मन उसके ठीक सामने खड़ा होकर मुस्कुरा रहा था। आ ही गई ना मेरी रानी। रानी और शर्मन ऐसे घर में पहली बार मिले थे। दोनों की धड़कनें डर की वजह से ऊपर नीचे चल रही थी। फिर दोनों काफी देर समय बिताते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। रानी, मैं तुमसे ही शादी करूंगा। शादी? पर शर्मन, अभी तो मैं और तुम दोनों ही बहुत छोटे हैं, हम शादी कैसे कर सकते हैं? अरे अभी नहीं बुद्धू, जब मैं बड़ा होगा कमाने लगूंगा ना, तो शहर से तेरे लिए जेवर बनवा कर लाऊंगा और फिर तेरे बाबा से तेरा रिश्ता भी मांगूंगा। ये सुन रानी शर्माती है और दोनों बाल बुद्धि में एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। तभी अचानक घर का दरवाजा खुलता है। रानी और शर्मन दरवाजा खुलते ही चौंक उठते हैं। दरवाजे पर खड़े शर्मन के पिता विजय ने रानी और उसे गले लगते हुए पकड़ लिया था और फिर पूरे मोहल्ले में तमाशा होने लगा। बाबा नहीं, आप ऐसा मत करो, मैं रानी से प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। इतना सुनते ही विजय शर्मन को जोरदार थप्पड़ मारकर घर के अंदर धकेल देता है और रानी का हाथ पकड़कर उसे खींचकर घर के बाहर फेंकता है। रानी और शर्मन एक दूसरे को थामने के लिए रोते हुए तड़प रहे थे। शर्मन, नहीं काका, प्लीज ऐसे मत करो, बाबा को मत बताना वरना वो मेरा ब्याह कहीं और करा देंगे। ब्याह? बिटिया, वो तो तुझे वैसे भी कहीं और ही करना होगा, क्योंकि शर्मन का रिश्ता आज हम तय करके आ चुके हैं। ये सुनते ही रानी और शर्मन एकदम हक्के बक्के रह गए। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा, मेरी शादी तय कर दी, वो भी मुझसे पूछे बिना ही? तो क्या हमारा तुझ पर इतना भी हक नहीं है क्या? बेटा भूल मत, हम माँ बाप हैं और अभी तू इतना बड़ा नहीं हुआ है जो तुझसे हमें ये सब पूछना पड़े। रानी के पिता भी वहाँ आ जाते हैं और इतना बड़ा तमाशा देखकर रानी को खूब चांटे लगाते हैं। तभी रानी की माँ भी घर से बाहर आती है और वह भी रानी को पीटती है। अच्छा तो ये पढ़ाई हो रही थी तेरी, करवा दे हमारा मुंह काला। हे राम, क्यों हुई हमें ऐसी औलाद? सुनो जी, वो जो दूसरे गांव के जमींदार का रिश्ता आ रखा है ना, उसे हाँ बोलो और इसे फटाफट यहाँ से विदा करो। पर माँ वो, तुम सही कह रही हो, मुझे तो वो रिश्ता हमेशा से ही पसंद था। जमींदार 40 साल का हुआ तो क्या हुआ, जब वो मर जाएगा तो सब कुछ हमारी रानी का ही तो होगा। और फिर रानी के माँ बाबा उसे हाथ से खींचकर उसे घर के अंदर ले जाते हैं। रानी सुन शर्मन, हमने तेरी शादी पास के गांव के सबसे बड़े सेठ की छोटी बेटी से तय कर दी है और तड़के ही तेरा ब्याह उससे करवा देंगे। हाँ, सीता नाम है उसका। एकदम ठीक फैसला है जी, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं, इसलिए समय पर ही इसका ब्याह करवा देते हैं। विजय शर्मन को कमरे में बंद कर देता है। वह बेचारा खिड़की से रानी के घर को देख कर रो रहा था। अगले दिन रानी के माँ बाबा उसे गाड़ी में बिठाकर वहाँ से ले जाते हैं। मौका पाकर जैसे ही शर्मन घर से बाहर जाकर रानी से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है, शर्मन रानी को तो ले गए उसका ब्याह करने और कह रहे थे उसे वही छोड़कर आ जाएंगे। बेचारा शर्मन सारे हथियार डालकर अपने माँ बाप के पास आ जाता है और फिर रेखा शर्मन को दूल्हा बनाकर विजय के साथ बारात लेकर पहुँचते हैं सेठ के घर पर। सेठ का घर किसी महल से कम नहीं था, सब दूल्हे को देखकर बड़ा खुश हो रहे थे। देखो तो हमारी सीता के लिए कितना सोना दूल्हा पसंद किया है। हाँ बबीता, देख तो कितना हट्टा कट्टा और जवान है ये।
अरे मगर परिवार तो सेठ जी की औकात से बिल्कुल मेल नहीं खाता। ये सब सीता के माँ बाबा सुनते हैं और सबके सामने जाते हैं। हमने घर नहीं परिवार देखा है और हमारी सीता के लिए इतना अच्छा दूल्हा और कहाँ मिलेगा। पर भाई साहब, ये हमारी सीता को खिलाएगा क्या, पहनाएगा क्या, आखिर इन फकीरों के पास है ही क्या। ये सुन कविता और श्याम को क्रोध आ जाता है और श्याम उसका मुंह बंद कर देता है। सब कान खोलकर सुनो, आज से दामाद जी और इनके परिवार के लिए अगर किसी ने कुछ कहा तो इस घर में तुम सबकी एंट्री बंद हो जाएगी। दामाद जी आज से हमारी जिम्मेदारी है। जब तक दामाद जी पढ़ लिख कर खुद नहीं कमाने लगते तब तक सीता यहीं रहेगी। शर्मन को यह चीज अजीब लगी। मैं जानता हूँ, सब यहाँ मेरा सौदा ही कर रहे हैं। और शर्मन भीड़ से थोड़ा हटकर पीछे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ एक बच्ची दौड़ती हुई आती है और आकर शर्मन का हाथ पकड़ लेती है। शर्मन बच्ची की ओर देखता है तो वह शर्मन की ओर देखकर मुस्कुराती है। शर्मन भी इतनी प्यारी बच्ची को देखकर मुस्कुरा देता है और उसका सिर सहलाता है। अरे क्या नाम है तुम्हारा चुटकी। तभी भीड़ से आवाज आती है, अरे सीता कहाँ चली गई, जल्दी इधर आ बिटिया, देख सभी तेरा इंतजार कर रहे हैं। शर्मन यह सुनते ही उस बच्ची की ओर देखता है और उस नन्ही सी बच्ची की भोली आंखों को बस देखता ही रह जाता है। क्या कहा, सीता। और तभी वह औरत आकर सीता को वहाँ से ले जाती है। शर्मन जाती हुई सीता को देख रहा था। बाबा मैं शादी कैसे कर सकता हूँ, ये तो एक बच्ची है। अरे नहीं नहीं बेटा, तुझे तो बस शादी करनी है, फिर सीता जब जवान होगी तभी हम उसे तेरे पास भेजेंगे। मगर एक बाल विवाह, आप सब अपने लालच के लिए मेरी जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। तभी विजय चिल्लाता है, शर्मन बस, मैंने कहा ना ये शादी होगी तो बस होगी। और थोड़ी देर में छोटे छोटे कदमों से चलती हुई शर्मन की दुल्हन सीता मंडप में आती है और दोनों का विवाह शुरू होता है। शर्मन बार बार सीता का चेहरा देख रहा था और फिर अपने माँ बाप को देख रहा था, जिससे उसे बस सीता से चिढ़ होने लगी। माँ मेरी तो एकदम गुड्डा गुड्डी की तरह शादी हो रही है ना, मजा आ रहा है माँ। शर्मन जैसे ही सीता की मांग भरने लगता है तभी देखता है कि सीता के बाबा श्याम ने शर्मन के बाबा विजय के हाथ में पैसे से भरा एक बैग थमा दिया। यह देख वह हिल जाता है और तभी उसकी आंखों के आगे रानी का हंसता हुआ चेहरा बार बार आने लगता है, जिस वजह से उसे सीता की शक्ल अच्छी नहीं लगने लगी। सब तेरी वजह से हुआ है लड़की, तेरे माँ बाप ने मेरे माँ बाप को लालच देकर मुझे तेरे संग बांध दिया है। और शर्मन सीता की मांग भर देता है और सीता शर्मन का हाथ थामे थामे फेरे लेती है। आज से आप दोनों हमेशा हमेशा के लिए पति पत्नी हुए। ये सुनकर सीता उछल उछल कर तालियां बजाने लगती है। देख कविता, हमें शर्मन से अच्छा दूल्हा कभी नहीं मिलता। अब दामाद जी जब तक अपनी पढ़ाई करेंगे तब तक हमारी बेटियां जवान हो जाएगी। शर्मन सीता को उसके घर छोड़कर अपने घर आ जाता है। तभी वह देखता है कि पड़ोस में एक बड़ी गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से रानी बाहर निकलती है, जिसके साथ एक बड़ी उम्र का आदमी था। रानी की मांग में सिंदूर था, रानी की शादी उसी आदमी से हुई थी। रानी की भी नजर दूल्हे बने शर्मन पर पड़ती है, बस वह भी समझ जाती है कि दोनों अब हमेशा के लिए अलग हो चुके हैं। कुछ देर बाद शर्मन छत पर जाता है तो रानी भी वहीं अपनी छत पर कोने में खड़ी थी। शर्मन और रानी नम आंखों से एक दूसरे को देखते हैं। ये सब क्या हो गया रानी, मेरे सारे सपने तो पैसों के नीचे दब गए हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है शर्मन, मगर तुम अभी भी अपने सपनों को पूरा करना, जाओ शहर जाओ और जाकर बड़े आदमी बनकर आओ। ध्यान है तुमने कहा था कि तुम कमा कर वहाँ से जेवर बनवा कर लाओगे, अब वही तुम्हें सीता के लिए करना होगा, अब से वही तुम्हारी रानी बनकर रहेगी। नहीं रानी नहीं। तभी रानी का पति उसे आवाज लगा कर नीचे बुला लेता है और रानी शर्मन से हमेशा के लिए दूर हो जाती है। शर्मन कुछ पैसे लेकर अपने माँ बाबा को बताए बिना ही शहर निकल जाता है। उधर सीता की माँ कविता उसे सुला रही थी। तो माँ क्या अब तुम हमेशा मेरे पास ऐसे नहीं रहोगी, वो शादी वाला गुड्डा रहेगा। मैं यही हूँ सीता, मगर जैसे ही तू बड़ी होगी तेरा दूल्हा तुझे लेने आएगा और फिर तुझे सहलाकर सुलाएगा। मगर माँ तब मैं उसे पहचानूंगी कैसे। तभी श्याम भी कमरे में आता है और सीता को एक तस्वीर देता है जो कि शर्मन की थी। सीता बेटा यह है तेरा पति, अब तुझे इसी के साथ हमेशा रहना है। और ये सुनकर सीता तस्वीर को अपने तकिए के नीचे रख लेती है और बड़ी खुश होती है। अगले दिन शर्मन के माँ बाबा को शर्मन नहीं मिलता मगर एक खत मिलता है जिसमें शर्मन ने लिखा था कि उसे इस दलदल से निकलना है, इसलिए वह शहर जाकर पढ़ाई करेगा। समय बीतता गया। उधर सीता बस शर्मन की तस्वीर को सीने से लगाकर घूमती थी
और उधर शर्मन ने खुद को कॉलेज में पढ़ाई में इतना डुबा दिया था कि घर परिवार कुछ याद आना ही बंद हो गया। धीरे धीरे श्याम और कविता का मन डरने लगा और एक दिन वो दोनों सीता को तैयार करके उसे अपने ससुराल में लेकर आए। शर्मन के माँ बाप उसकी खातिरदारी करने लगे। भाई साहब क्या बात है, दामाद जी शादी के बाद एक बार भी घर नहीं आए, ना ही सीता से मिलने आए, सब ठीक तो है ना? विजय और रेखा यह सुनकर एक दूसरे का चेहरा देखते हैं। बहन जी कोई बात हुई है क्या? अगर और पैसों की जरूरत है तो बताइए, हमारा सब आपका ही है, आखिर हम दोनों परिवार अब जुड़ चुके हैं। नहीं नहीं समधी जी, वो शर्मन एक साल से शहर में मन लगाकर पढ़ रहा है तो इसीलिए, वैसे वो तो अपने घर भी नहीं आता। ये सुनकर कविता और श्याम बड़े ही खुश होते हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं दामाद जी, बस फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। सीता खेलते खेलते छत पर चली जाती है। पड़ोस की छत पर रानी आई हुई थी, उसकी नजर सीता पर पड़ती है। अरे इतनी प्यारी लड़की कौन है? रानी सीता के पास जाकर उसे पास बुलाती है। तुम खेलोगी मेरे साथ? हाँ खेलूंगी ना, पर तुम्हारा नाम क्या है? सीता। सीता नाम सुनते ही रानी समझ गई थी। रानी सीता को प्यार से देखती है और उसका चेहरा सहलाकर एक कपड़े में लिपटी छोटी छोटी चूड़ियां निकालती है, जो कि उसके छोटेपन में शर्मन ने मेले से लाकर दी थी। अरे रानी इधर आ तो, देख तो मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। ओहो कितना परेशान करता है ये लड़का, क्या है? और शर्मन चमकती चूड़ियां रानी की कलाई में डाल देता है, जिसे देख रानी बड़ी खुश होती है। अब जब भी तू छत पर आए तो मुझे आवाज मत लगाना, बस ये चूड़ियां खनका देना। रानी यादों में खोई हुई थी कि उसका आंसू सीता की कलाई पर गिरता है और सीता उसके आंसू पोंछती है। चीची रो मत ना, मुझे चूड़ियां बहुत पसंद आई। रानी प्यार भरी निगाहों से सीता को देखती है और सीता चूड़ियों से खेलने लगती है। इधर शर्मन खिड़की में बैठा आसमान निहार रहा था। हमारी इस नई कहानी में प्यार और रिश्तों की उतार चढ़ाव बहुत से देखने को मिलेंगे। बालिका वधु की इस लंबी यात्रा देखने के लिए बालिका वधु पार्ट 2। दिन बीतते गए और शर्मन भी वक्त के साथ रानी के बारे में भूलता गया। एक रोज उसके पास उसके बाबा का फोन आया और विजय ने शर्मन को घर आने के लिए बहुत जिद की और वह घर लौटता है, मगर वह इस बात से अनजान था कि उसी दिन सीता भी उसके घर पर थी। शर्मन सीता को देखकर चौंक गया था। सीता भी अब थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही थी। सीता शर्मन को देखते ही जाकर फिर से उसके हाथ पकड़ लेती है। सीता के दूसरे हाथ में दोनों की शादी की तस्वीर थी। मेरा गुड्डा बाबू। शर्मन बेचारा बेबस था और वह दोनों के रिश्ते को अपना लेता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, शर्मन जब भी घर आता वह सीता के साथ बातें करता खेलता, मगर उसे एक चीज अजीब लगती थी। शर्मन श्याम और कविता से कहता है, बाबा आप सीता को स्कूल क्यों नहीं भेजते हैं? स्कूल? हमारे घर की लड़कियां स्कूल भी स्कूल नहीं जाती हैं। वैसे भी कमाना पति को होता है, सीता तो घर में बैठकर रोटियां ही तो बनाएगी, आप तो अपनी पढ़ाई पूरी करो दामाद जी। शर्मन की बात किसी ने नहीं मानी और सीता को पढ़ाना लिखाना किसी ने जरूरी नहीं समझा। धीरे धीरे शर्मन शहर से गाँव एकदम कम आने लगा। उधर सीता वक्त के साथ सुंदर और जवान होती चली गयी। उसने सिलाई बुनाई कढ़ाई सब सीखा, मगर पढ़ाई क्या होती है वह आज भी नहीं जान सकी। शर्मन का फाइनल ईयर में प्रवेश होता है और वहाँ उसकी मुलाकात पूनम से होती है। पूनम पढ़ने में बहुत होशियार और तेज और अड़ियल सी लड़की थी। अपनी बात सही साबित करने के लिए बहस भी कर लेती थी। एक्सक्यूज मी सर, दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, गिव मी अ चांस, आई कैन मेक इट सॉल्व। शर्मन पूनम का इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंस देख कर हिल गया था। एक दिन क्लास में पढ़ाते हुए जहां शर्मन सवाल नहीं बता पाता है, वहीं पूनम उसकी मदद करती है और ऐसे हो जाती है पूनम और शर्मन की दोस्ती। पूनम रूप रंग में भले ही सामान्य थी, मगर शहरी मेम वाले कपड़े और मुंह से निकाली गई अंग्रेजी बोली शर्मन को बड़ी अच्छी लगती थी। पूनम और शर्मन एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे और धीरे धीरे उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह दोनों कॉलेज के बाहर भी साथ दिखाई देने लगे। पूनम मुझे सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आता है, क्या तुम मुझे पढ़ा दोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, बताओ कब पढ़ना है? कल मेरे रूम पर तुम सुबह ही आ जाना, फिर हम पूरे दिन पढ़ाई करेंगे। यह सुनकर पूनम शर्मन की ओर देखकर मुस्कुराई और शर्मन पूनम की ओर। अगले दिन शर्मन का दरवाजा खटकता है और वह उसे खोलता है तो सामने पूनम बड़े स्टाइलिश कपड़ों में हाथ में मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें लिए शर्मन की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी। मे आई कम इन सर? यस यस श्योर पूनम। थैंक यू सर। और शर्मन दरवाजा बंद करते हुए उसे जोर से पटक देता है।
ये देख पूनम को चिढ़ होती है। शर्मन, वेयर इज योर एटिकेट्स? डोर ऐसे बंद करते हैं? इधर आओ, मैं बताती हूँ। और पूनम शर्मन का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे को आहिस्ता से बंद करना बताती है। शर्मन पूनम को करीब पाकर थोड़ा नर्वस हो जाता है। पूनम शर्मन का चेहरा छूती है। अरे डार्लिंग, डोंट बी शाय ना। पर पूनम, हम तो दोस्त है ना। दोस्त? सिर्फ दोस्त? ये सुनते ही शर्मन पूनम से लिपट जाता है। दोनों एक दूसरे को मन से गले लगाते हैं। पूनम, मुझे तुम बहुत पसंद हो और तुमने तो देखो मेरा कितना साथ भी दिया है। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो शर्मन। मगर तभी शर्मन चुप होकर मुंह फेर लेता है। शर्मन, क्या हुआ? कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? पूनम, मैंने आज तक तुमसे एक बहुत बड़ी बात छिपाई है। टेल मी शर्मन, आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट यू। मैं शादीशुदा हूँ पूनम, मगर समझौते के रूप में। बाल विवाह हुआ था हमारा, मैं बाल वर था और वो बाल वधु। मतलब? पूनम, मेरी शादी बचपन में ही कर दी गई थी। और शर्मन पूनम को सारी कहानी बताता है। क्या बहुत सुंदर है वो लड़की? लड़की? लड़की नहीं, एक छोटी बच्ची से मेरी शादी कराई गई थी, जो भी शायद 16-17 साल की ही होगी। ओह माय पुअर हनी, कितनी परेशान हो तुम। कम बेबी, इधर आओ। और पूनम शर्मन को अपने सीने से लगा लेती है। पूनम, तुम्हारी फैमिली में कौन है? पागल से माँ बाप है जिनसे मेरी बनती नहीं, और मैं अकेले ही रहती हूँ एकदम बिना रोक टोक के। पूनम, मैं हमेशा तुम जैसी मॉडर्न लड़की से शादी करना चाहता था। तो अब भी कर सकते हो तुम? क्या, पर मैं तो... अरे बाबा, वो तो एक एक्सीडेंट था ना शर्मन, मुझे प्रैक्टिकल चीजें ही पसंद है। जो शादी प्रैक्टिकल ही नहीं, उसके बारे में क्या सोचना। वाह पूनम, यार तुम कितनी समझदार और हर चीज समझने वाली लड़की हो। दोनों एक दूसरे के नजदीक आते हैं और आंखों में देखते हैं। जहां एक और शर्मन सीता को भूल रहा था, वहीं सीता तो अभी भी इसी इंतजार में थी कि कब उसका दूल्हा शहर से लौटकर आएगा और उसे विदा कर ले जाएगा। माँ, मैं कुएं से पानी का घड़ा लेने जा रही हूँ। सीता गांव में सबसे चंचल और सुंदर लड़की थी, जिस पर बहुत से मंचलों का दिल आता था। उनमें से एक लड़का सीता को पनघट पर मिलता है और उसकी पानी भरने में मदद करने लगता है। छोरी, तुझे क्या लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आता? चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना जब मेरे बाबू शहर से लौटकर आएंगे ना, तो मैं उन्हें कहकर तुझे इस कुएं में फिकवा दूंगी। यह सुनकर लड़का थोड़ा पीछे हट जाता है। बड़ा आया मंचला आशिक। लड़के को सीता की अकड़ रास नहीं आती है। कौन सा बाबू सीता, जो शहर से सालों सालों तक तो वापस भी नहीं आता। कहीं ऐसा ना हो तू इधर मायके में बैठकर मटकियां ही भरती रह जाए और उधर तेरा बाबू शहर में मजा करता रहे। सीता बेचारी भोली भाली थी, उस लड़के की बात चुप जाती है और वह डरते हुए मटकी को वहीं छोड़कर रोते हुए घर लौटती है और कविता के पाँव के पास आकर रोती है। माँ, मेरा गुड्डा मुझे लेने कब आएगा, बताओ ना माँ, वो आएंगे ना? कविता ये सुनकर थोड़ा घबरा जाती है। हाँ मेरी प्यारी लाडो, क्यों नहीं आएंगे, जरूर आएंगे। और कविता रोते हुए शाम को जाकर सारी बात बताती है। हमारी सीता हर पल बस दमाजी के आने का ही इंतजार करती है। मैं समधी जी से अभी बात करता हूँ। शाम विजय को फोन कर सब बताता है और विजय चिंता में आकर शर्मन के पास फोन करता है। शर्मन और पूनम एक साथ बैठे हुए थे। शर्मन अपने बाबा का फोन उठाता है। शर्मन बेटा, अब घर लौटा, दुल्हन को विदा करके घर लेकर आना है। ठीक है। और विजय यह बात शाम को बताता है। शर्मन, बहू को विदा करवाने कल आएंगे, आप सब तैयारी कर लीजिए। शाम यह बात सीता को बताता है और सीता यह जान शर्मा जाती है। जिस लड़की ने अपना पूरा बचपन शर्मन की तस्वीर को तकिए के नीचे रख कर गुजार दिया था, उसके लिए तो अब भी यह बस केवल सपना ही था। वह जाकर अलमारी में से अपना गुड्डा वाला खिलौना और रानी की दी हुई चूड़ियां निकालती है। अगले दिन जब शर्मन पूनम को बिना बताए घर के लिए निकल रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर खटखट होती है। शर्मन बैग उठाए दरवाजा खोलता है तो सामने पूनम खड़ी थी, बहुत प्यारा सूट पहनकर एकदम संस्कारी लड़की की तरह। पूनम, तुम कैसी लग रही हो? मैं अच्छी लग रही हूँ ना, एकदम देशी मेम की तरह। तो अब तुम्हारे माँ बाप मुझे अपना लेंगे ना शर्मन? पूनम की आंखों में शर्मन के प्रेम के आंसू छलक जाते हैं। यह देखते ही शर्मन का मन बदल जाता है और वह अपना बैग वहीं रख देता है और पूनम का चेहरा चूम लेता है। मैंने फैसला कर लिया है पूनम, सिर्फ तुम ही मेरी पत्नी बनोगी, वो सीता नहीं। उसके साथ जो भी हुआ उसने मेरा दोस्त थोड़ी ही था। पूनम और शर्मन एक दूसरे को गले लगाकर खूब प्यार करते हैं। उधर सीता खिड़की में बैठकर गांव के रास्ते पर नजर गड़ाए हुए थी, उसके हाथ में उसका पसंदीदा गुड्डा भी था। बाबू जरूर आएंगे, तू चिंता मत कर, शायद शहर से बस नहीं मिली होगी, इसलिए हाथ गाड़ी में बैठकर आ रहे होंगे, इसलिए देरी हो गई।
सीता की आंखें टुकटुकी लगाए हुए थी और ऐसे बैठे बैठे सांझ हो जाती है। कविता और श्याम समझ चुके थे कि शर्मन नहीं आने वाला है। कविता खाना लेकर सीता के पास जाती है। बिटिया खाना खा ले, कब तक ऐसे ही बैठी रहेगी? दामाद जी को आना होता तो अभी तक आ जाते, शायद उन्हें आने में अभी और समय है। नहीं माँ, पता नहीं बाबू ने खाना खाया भी होगा या नहीं, जब तक उनके मुंह में कौर नहीं जाएगा तब तक मैं कैसे खा लूंगी। एक 17 साल की लड़की के लिए इतना आसान नहीं था यह सब, फिर भी सीता बस अपने पति के आने का इंतजार किए जा रही थी। अगला दिन होता है, सीता के माँ बाबा अगली सुबह देखते हैं सीता ने अपना बैग पैक किया था और वह एक बहू की तरह साड़ी वगैरह पहनकर तैयार हो रही थी। सीता बेटा ये क्या है? माँ बाबा चलो अब मुझे विदा कर दो, मैं अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। सीता ये तो क्या? माँ बाबा जहाँ मेरे पति का घर है मुझे वहीं रहना चाहिए, कुछ दिनों में बाबू की पढ़ाई पूरी हो जाएगी और फिर वो घर लौट आएंगे, तब तक मैं अपने ससुराल में रहकर उनके तौर तरीके सीखना चाहती हूँ ताकि उन्हें कभी भी यह ना लगे कि उन्होंने किस पागल से शादी कर ली है। श्याम आकर सीता को गले लगाता है। देखा कविता, हमारी नन्ही सी चिड़िया कब इतनी बड़ी हो गई कि अब अपना घोंसला खुद ही बनाने को जा रही है। उन दोनों की आंखें भर जाती हैं और कविता और श्याम सीता को गाड़ी में बिठाकर उसके ससुराल छोड़कर आते हैं। ससुराल वाले सीता को देखकर बड़ा खुश होते हैं और सीता अपने ससुराल में पहुंच जाती है। उसके सास ससुर ने उसका और शर्मन का कमरा बड़ा ही सुंदर सा बनाया था। सीता शर्मन के बारे में सब जानने की कोशिश करने लगी। एक दिन घर के आगे एक गाड़ी रुकती है। रेखा बाहर चौक में ही काम कर रही थी और वह गाड़ी से शर्मन को बाहर आता देखती है। अरे शर्मन के बापू ये देखो, हमारा लल्ला घर लौट आया है। विजय बड़ा खुश होकर शर्मन को लेने बाहर आता है। सीता भी शर्माई हुई अपने कमरे की खिड़की में से ही शर्मन को देख रही थी। माँ बाबा अब मैं आपके पास ही रहने आ गया हूँ। ये तो तू बहुत अच्छी बात बोला है छोरे, अब हम बूढ़े माँ बाप से अकेले नहीं रहा जाता। नहीं माँ बाबा अब आपको अकेले नहीं रहना पड़ेगा, आपकी बहू है ना वो अब सब संभाल लेगी। विजय और रेखा यह सुनकर बड़े ही खुश होते हैं। अरे बिटिया जरा बाहर तो आना। सीता यह सुनते ही पायल की छनछनाहट के साथ अपने छोटे छोटे कदम धीमे धीमे बढ़ाती हुई बाहर की ओर बढ़ रही थी, तभी गाड़ी के भीतर से आवाज आई। यस डैड मैं अभी आई। और गाड़ी के अंदर से लाल साड़ी पहने हुए पूनम बाहर निकलती है और बाहर आकर शर्मन का हाथ पकड़ लेती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। पूनम और शर्मन एक साथ बैठे हुए थे। शर्मन कैसा हो अगर तुम मुझे अपने घर की बहू बनाकर ले चलो? मगर सीता और वो शादी? शादी इज माय फुट, वो सब तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं कर पाएगा शर्मन। और प्यार तो तुम मुझसे करते हो ना, और जिस रिश्ते में प्यार होता है वही निभाया जाता है शर्मन। हाँ बहुत करता हूँ। ठीक है पूनम, अब तक बहुत हुई लुका छिपी। हाँ मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा और घर वालों से बात करूंगा कि सीता को भी अब आगे बढ़ने दो और कहीं और उसकी शादी करा दे। पूनम यह जानकर बड़ी खुश हुई। शर्मन बेटा ये सब क्या है? बाबा ये पूनम है, कॉलेज में मेरे 7 सालों से पढ़ती थी, फिर हमने नौकरी भी साथ करी। मैं और पूनम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। उधर सीता बाहर आकर यह सब सुन लेती है। उसके हाथ में आरती की जो थाल थी वह सदमे में नीचे गिर जाती है और उसमें रखा कुमकुम छटक कर सीता की मांग में बिखर जाता है। सीता तुम यहाँ? जहाँ एक और सीता की मांग में शर्मन के नाम का सिंदूर था, वहीं दूसरी ओर उसकी आंखों में शर्मन के दिए हुए मोती से आंसू भी सज चुके थे। सीता बिना कुछ बोले बस पूनम की ओर देखकर रोती है। पूनम सीता की ओर देखकर मुंह बनाती है। देखिए बालिका वधु की इस कहानी में कैसे एक लड़की को जो अपना सारा जीवन अपने पति के नाम कर चुकी है, वह कैसे अपनी शुरू होती शादीशुदा जिंदगी के इस तूफान से लड़ती है। बालिका वधु पार्ट 3। सीता की जिंदगी में अब एक सौत आ चुकी थी। वह नहीं जानती थी कि शर्मन अब उसका है भी या नहीं। बेचारी इतनी कच्ची उम्र में थी, पर वह पूनम की ओर देखकर अभी भी मुस्कुरा रही थी। पूनम माँ और बाबा के पांव छूकर आशीर्वाद ले लो चलो। तभी पूनम विजय और रेखा के पांव देखती है जिनमें मिट्टी लगी थी और काफी कटे फटे पांव थे। तभी वह अपने सुंदर हाथों को देखती है। अरे बेटा ऐसे क्यों देख रही है, ये पांव एक किसान के हैं, इन्हीं से चलकर मैंने आज जमीन घर और अपना परिवार बनाया है। चल लड़की जाकर आशीर्वाद ले। यू इन्हें छू, शर्मन मैं बहुत थक गई हूँ, ये सब फॉर्मेलिटीज बाद में करें। शर्मन पूनम के प्यार में पागल तो हो ही चुका था, इसलिए वह देख नहीं पाता कि पूनम उसके माँ बाबा को नजरअंदाज कर रही थी। पूनम और शर्मन अपना सामान छोड़कर अंदर जाने लगते हैं और शर्मन गाड़ी की चाबी सीता की ओर फेंकता हुआ कहता है,
अच्छा सुनो लड़की, हमारा सामान कमरे में पहुंचा देना। अच्छा शर्मन डार्लिंग, मैं इस घर में कहाँ रहने वाली हूँ? ऑफ कोर्स, हम हमारे रूम में एक साथ रहेंगे बेबी। बेटा पर वो तो सीता और तेरा कमरा है, ये वहाँ रहेगी तो बहू कहाँ रहेगी? ओ यस मॉम, सही कहा आपने, ये भैंजी टाइप लड़की, हमारा सामान लाने के बाद तू अपना सामान उठाकर हमारे रूम से निकाल ले जाना। सीता बेचारी सिर झुकाए हुए हाँ में सिर करती है। ठीक है जीजी। जीजी? ये किस बहनजी से शादी करवा दी तुम्हारी इन लोगों ने शर्मन? अच्छा सीता तो ये बता, अगर मैं जीजी तो शर्मन तुम्हारा क्या हुआ? जीजा जी है ना? अरे यार पूनम, क्यों बेचारे का मजाक बना रही हो? अब ये स्कूल गई ही नहीं तो इसे बात करना कहाँ से आएगा भला। और शर्मन और पूनम दोनों अंदर चले जाते हैं। सीता अपने पति और उसकी माशूका से बेइज्जती होकर भी कुछ नहीं बोलती और जाकर शर्मन की गाड़ी की चाबी खोलने लगती है, मगर उसे ऑटोमेटिक गाड़ी का यूज करना नहीं आता था। शर्मन सीता को खिड़की से उसकी गाड़ी को छेड़ते हुए देख लेता है। ए अनपढ़ गवाह लड़की, अब क्या मेरी जिंदगी के साथ तू मेरी गाड़ी भी खराब करेगी? और शर्मन सीता को गाड़ी से दूर करता है और खुद आकर सामान निकाल कर बाहर रखता है। चल अब इसे उठाकर ले आ। सीता बेचारी अपने नन्हे हाथों से भारी दो बैग उठाने की कोशिश करती है। ये विजय देखता है तो उसका मन पसीजता है। ला बहू मैं उठाता हूँ। नहीं बाबूजी आप नहीं, आपकी कमर में दर्द रहता है ना? और सीता बैग उठाकर कुछ कदम चलती है और गिर जाती है। शर्मन यह देखकर उसे जैसे ही उठाने लगता है तभी सामने खड़ी पूनम भी गिरने का नाटक कर शर्मन को सीता से दूर कर देती है। ओ हनी देखो तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो, लगता है गांव की गर्मी से तुम्हें चक्कर आ गया, अब जल्दी ही हम हमारे रूम में एसी लगवा लेंगे। और शर्मन पूनम को उठाकर वहां से चला जाता है। सीता बेचारी धीमे धीमे कमरे तक आती है और देखती है कि सीता का सामान तो कमरे के बाहर बिखरा पड़ा था और पूनम शर्मन की गोद में बैठी हुई थी। शर्मन पूनम को लाड कर रहा था। मेरी सोनी मोनी, मेरी हनी, मेरी बेबी को दर्द हुआ? लाओ अभी प्यार कर देता हूँ। सीता शर्मन का इतना लाड देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे एक बच्चा मेले में झूले को देखकर खुश होता है। तभी पूनम की नजर सीता पर पड़ती है। लो कूली बहन जी भी आ गई। पूनम अपने फैंसी कपड़े सीता के मुंह पर फेंक कर उन्हें प्रेस करने को कहती है। पूनम अब बस भी करो, क्यों बेचारे के पीछे पड़ रही हो? अच्छा ये बताओ कैसा लगा तुम्हें हमारा घर? घर तो बहुत बड़ा और मस्त है, मगर मैं शर्मन को दिखाऊंगी नहीं कि मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। ठीक है पर हमारा शहर में तो इससे भी बड़ा घर होता। पूनम मैं बाबूजी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम उनकी अच्छी बहू जरूर बनोगी। उधर सीता पूनम के कपड़ों को प्रेस करती है तभी उसके हाथ में पूनम की एक छोटी सी स्कर्ट लगती है जिसे वह उठाकर देखती है और आईने के सामने जाकर खुद पर लगाकर देखती है तो हंसती है। हाय दैया, ये चीची किस बच्ची की घघरी उठा लाई? शर्मन उस ओर से गुजरता हुआ सीता को आईने के सामने स्कर्ट पकड़े देखता है तो मुस्कुराता है। शायद इतनी भी गवार नहीं है ये। सीता मुड़कर शर्मन को स्कर्ट देती है। बाबू सुनिए। व्हाट बाबू? कॉल मी शर्मन। कॉल मी शर्मन, ये तो बहुत ही बड़ा नाम हो गया। नहीं मैं तो बाबू ही बुलाऊंगी, वही ठीक है। देखो ना बाबू, चीची ने पता नहीं किस बच्चे की स्कर्ट दे दी। सीता की ऐसी गवारपने की बात सुनकर शर्मन उसे अधिक चिढ़ जाता है। नहीं इतनी भी गवार नहीं तुम, एकदम देहातन हो, एकदम ही। जाओ यहाँ से, सारा मूड खराब कर दिया। सीता शर्मन की डांट पर रो पड़ती है और अपने कमरे में जाकर कोने में बैठकर रोती बाहर आसमान देखती है जिसमें उसे खुद का चेहरा अपने शर्मन बाबू की शादी की तस्वीर देखती है। कोई बात नहीं बाबू, भले ही आप शहरी मेम ले आए फिर भी पत्नी तो बस मैं ही रहूंगी ना आपकी। आप मेरे हिस्से का प्यार ही तो बांट सकते हैं, मगर मेरी मांग में जो आपके नाम का सिंदूर मैं बचपन से लगा रही हूँ उस पर बस मेरा ही हक है। अगले दिन सीता कहीं चली जाती है और पीछे से घर में पूनम और शर्मन विजय रेखा के पास आते हैं। शर्मन बेटा एक बार सीता से बात तो करके देखता, वो अच्छी लड़की है और उसके माँ बाबा के इतने एहसान है हम पर। अगर इतनी ही अच्छी है तो एक काम करो बाबा, आप उसे अपनी बेटी बना लीजिए और मैं और पूनम शहर चले जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं यहाँ पर, चलो पूनम। ओके। और रही बात एहसानों की तो मैं और पूनम दिन रात मेहनत करके उस पागल के घरवालों का एक एक पैसा लौटा देंगे। बस मुझे रिश्ते से आजाद कर दो, है ना पूनम? तुम तो हो ही ना मेरी मदद करने के लिए। हाँ। ये नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? और पूनम इधर उधर चलते हुए बात नजरअंदाज कर देती है।
विजय और रेखा शर्मन के अंधे प्यार के आगे घुटने टेक चुके थे। दिन में काम करते हुए अचानक रेखा का पांव फिसल जाता है और वह गिर जाती है। सामने वाले कमरे में पूनम बिस्तर पर बैठकर नेल पेंट लगा रही थी। वह रेखा को जमीन पर गिरा देखती है और मुंह बनाती है। अरे कोई है, मुझे उठाओ, मेरी जान निकली जा रही है। विजय और शर्मन दोनों बाजार गए हुए थे। उफ, ये गांव के देहाती लोग इतने गिरे हुए होते हैं कि कहीं भी गिर जाते हैं। रेखा दर्द से दहाड़ रही थी, तभी दरवाजे पर सीता आती है। सीता के हाथ में प्लास्टर बंधा रहता है। वह अपनी सांस को पड़ा हुआ देखती है तो अपना दर्द वगैरह सब भूलकर दौड़कर माँ के पास जाती है और उसे उठाती है। आह माँ, शक्ति दे, माँ जी उठने की कोशिश करिए। तभी शर्मन और विजय भी आ जाते हैं। शर्मन और विजय रेखा को उठाकर बिस्तर पर लेटाते हैं। शर्मन पूनम को वहाँ ना पाकर बहुत गुस्से में चिल्लाता है। पूनम, पूनम कहाँ हो तुम? पूनम हड़बड़ाती हुई कमरे में आती है। पूनम, जब माँ गिरी थी तब तुम कहाँ थी? वो तो मुझे पता ही नहीं चला कि माँ गिरी है, मुझे तो लगा जैसे हवा से कोई दरवाजा बजा हो। शर्मन इस बात पर कोई जवाब नहीं देता। तभी उसकी नज़र सीता के टूटे हाथ पर पड़ती है। और तुम, तुम्हें पट्टा बांधकर क्यों घूम रही हो? नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, आप माँ जी का ध्यान रखिए, मैं खाना बना देती हूँ। गवार बनाएगी खाना, पूनम ये कहकर कमरे में चली जाती है। मगर शर्मन का मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पूनम माँ के पास जाकर बैठो। क्यों? पूनम तुम इस घर की होने वाली बहू हो, मैं नहीं चाहता कि सारा टेंशन वो बहन जी ही ले ले। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे माँ बाबा के दिल में घर करो। शर्मन पूनम का माथा चूमता है। पूनम रेखा के पास जाकर बैठ तो जाती है मगर अपने फोन में ही लगी रहती है। बिटिया ये बड़ा भोला मोबाइल है ना? बिटिया इसमें भजन लगा देना, मन को बड़ी ही शांति मिल जाएगी। पर पूनम कोई जवाब नहीं देती और थोड़ी देर में वह ढिंचक सा गाना लगाकर झूमने लगती है। अरे माय ओल्डी सासू माँ, ये भजन भजन में क्या रखा है, सुनना है तो अंग्रेजी गाने सुनो और ठुमके मारो उन पर। रेखा पूनम का यह बर्ताव देखकर सीता के साथ वाले दिन याद करती है। माँ जी सीडी प्लेयर में भजन बजाने के बजाय क्या मैं खुद गा सकती हूँ? रेखा और उसकी सहेलियाँ सीता की इस साची कुशलता देखकर बड़ी खुश होती हैं। अरे बा रेखा, क्या बहू पाई है तूने, साक्षात सरस्वती है ये तो। बेटा किसने सिखाया आपको ये सब? माँ जी भक्ति और प्रेम सीखा नहीं जाता, यूँ मानिए सीता अपने राम के लिए और मीरा अपने कान्हा के लिए बस अपना इंतजार को बस गाना गाकर बता रही हैं। ये सुनकर रेखा की आंख में आंसू आ जाते हैं, जो असल में भी आ रहे थे। रेखा की उम्र ज्यादा थी और बिस्तर पर पड़े पड़े रेखा को गैस की दिक्कत हो जाती है। यह देखकर बगल में बैठी पूनम रेखा को जरा सा धक्का देकर वहाँ से उठने लगती है, जिससे रेखा के दर्द होता है। छी यार, ये भी कोई मैनर्स हैं क्या, इसलिए मुझे ऐसी छोटी जगहों पर आना पसंद नहीं है। तभी सीता वहाँ आ जाती है और पूनम का रेखा को लेकर गंदा बर्ताव देखती है। बस चीची बहुत हुआ, आप माँ जी से ऐसे बात नहीं कर सकती हैं। माना कि आपको मैं पसंद नहीं हूँ मगर ये तो शर्मन बाबू की माँ है, आप इनके साथ तो ऐसा मत करिए। ठीक कहा तुमने, आई एम सॉरी माँ जी। माफी मांग रही है, मतलब इतनी भी नकचड़ी नहीं है। और पूनम सीता को पकड़कर बाहर लाती है। सीता भी खुश थी। अचानक पूनम सीता का टूटा हुआ हाथ पकड़ती है और उसे फटकारती है। सुन गवार लड़की, अगर मेरे सामने ज्यादा चू चपट की ना तो तेरा जो बाबू है ना वो मेरे रिमोट से चलता है, एक बटन दबाया ना तो तेरा कनेक्शन इस घर से हमेशा के लिए कट हो जाएगा, तो अपनी औकात मत भूल। पूनम शर्मन के सामने जताती थी कि सीता कुछ भी नहीं करती है, बस पूनम ही सबका ध्यान रखती है। रात का समय था, रेखा की खांसने की आवाज़ आती है। पूनम जरा माँ को देखकर तो आओ ना, उन्हें कुछ चाहिए तो नहीं? अरे यार वो है ना बहन जी तुम्हारी सीता, वो देख लेगी। पूनम प्लीज। और पूनम उठकर रेखा के पास जाती है। रेखा उस रात काफी परेशान हुई थी, मगर साथ ही पूनम को भी बार बार जगना पड़ा, ये देख पूनम परेशान हो जाती है। अगले दिन पूनम एक बड़ी चाल चलती है और एक पर्ची पर कुछ लिखकर सीता को देती है। सुनो सीता, जरा बाहर जाकर ये ले आओ ना। पूनम ने सीता को पहली बार इतनी प्यार से बुलाया था, जिस वजह से वे खुश होकर सामान लेने चली जाती है। कुछ देर बाद लौटती है और एक लिफाफा पूनम को थमा देती है। चीची ये क्या है और पर्ची पर क्या लिखा था? वो दुकानदार मुझे पता नहीं क्यों घूर कर देख रहा था, तो मैं भी उसको डबल घूम कर देख रही थी और बोली जीजी ने बोला है तो अच्छी वाली देना। एकदम अच्छी वाली ही है, चलो अब तुम खाना बनाओ, माँ जी को खाना आज मैं खुद दूंगी।
और सीता खाना बनाकर चली जाती है। तभी पूनम आती है और रेखा का खाना लेती है और लिफाफा खोलकर उसमें से वह चीज निकालती है जो कि नींद की गोलियां थी। पूनम खाने में नींद की गोलियां मिलाती है। अब ना उठेगी रात में मेरी सास और ना सताएगी इस बेचारी पूनम को। नींद की गोलियों से मिला खाना रेखा उंगलियां चाटकर खा जाती है और उसे रात रेखा बहुत सोती है। अब पूनम यह देखकर रोज एक एक गोली एक्स्ट्रा मिलाने लगी ताकि रेखा सुबह देर तक सोए रहे। शर्मन अपनी माँ को आराम करता देख पूनम से बहुत खुश होता है और सीता से गुस्सा। अपने आप को बहू कहती हो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि सास की देखरेख कैसे करते हैं। सीखो मेरी पूनम से। बेचारी सीता पर तो वह बेवजह ही बिल फट रहा था। शर्मन और पूनम मजे से दिन काटते गए मगर ज्यादा लंबे नहीं। एक दिन शर्मन के हाथ की नींद की गोलियों की पर्ची लगती है और वह देखकर चौंक जाता है। नींद की गोलियों की दो डिब्बियां, मगर ये किस लिए और घर में लाया कौन? तभी वह किचन के डस्टबिन को उथल पुथल कर उसमें देखता है कि एक खाली डब्बी पड़ी थी। शर्मन सारा खेल समझ चुका था। वह गुस्से से तिलमिलाता हुआ बाहर आता है और जोर से चिल्लाता है, पूनम, सीता, माँ, सब बाहर आओ। सब बाहर आकर देखते हैं कि शर्मन के हाथ में वह डब्बी थी। पूनम की सांस ही अटक गई। अब मैं समझा ये माँ इतनी आराम से कैसे सो रही है। पूनम, ये तुम्हारी सेवा का कमाल नहीं है, ये तो इन गोलियों की वजह से है। इसका मतलब मेरी माँ को इतने दिन से मीठा जहर देकर सुलाया जा रहा था। और वह पूनम की ओर गुस्से से बढ़ता है और आकर उसका हाथ पकड़ता है। पूनम, जानती हो वो कौन है? वो शर्मन, मैं, वो मेरी बात सुनो तो। मगर शर्मन इधर उधर देखे बिना सीता के पास जाकर उसे जोरदार चांटा लगा देता है। यही है वो मेरे जीवन का ग्रहण जो मेरी माँ को मारकर मेरा बदला मेरी माँ से ले रही है। सीता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह बस गाल सहलाकर रो रही थी। पूनम ये देखकर मन ही मन खुश हो रही थी, बहन जी का पत्ता तो खुद ही कट गया। अब देखते हैं कैसे सीता अपनी डूबती गृहस्थी को अपने भोलेपन से संभालेगी और बालिका वधू से कैसे एक समझदार वधू बनकर दिखाएगी। बालिका वधू पार्ट 4। शर्मन सीता पर अपना गुस्सा बरसा रहा था। माँ की सेवा न करनी पड़े इसीलिए तो गवार लड़की मेरी माँ को नींद की गोलियाँ दे रही थी। नहीं बाबू, ऐसा नहीं है, मुझे तो ये दवाइयाँ जीजी ने दी थी। शर्मन, इस गवार से अब और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सीता बेचारी रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। उस दिन शर्मन का गुस्सा आज तक का सबसे भयंकर था। पूनम ये देखकर बड़ी राहत महसूस करती है, इस बार तो बहन जी का पत्ता कट ही गया आखिर। सीता रोते हुए छत पर जाती है और आसमान को देखती है। आसमान में उसे वही बचपन का शर्मन और सीता नजर आते हैं। मेरा गुट्टा मुझसे नाराज हो रहा है माँ। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगी। अगले दिन शर्मन सीता से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। रेखा ने शर्मन को बहुत समझाना भी चाहा। शर्मन बेटा, ऐसा मत कर, आखिर सीता तेरी पत्नी है। गलती हो गई बेचारी से, भोली है ना, तो कभी कभी गलतियाँ करती है। वाह माँ, आखिर ऐसे कितने पैसे दिए हैं सीता के बाप ने आपको जो आप हर वक्त उसकी साइड लेकर बोलते रहते हो। एक काम करते हैं, उनके पैसे और उनकी बेटी हम दोनों ही उन्हें वापस लौटा देते हैं, फिर तो सब ठीक होगा ना। शर्मन, या जिस दिन आपकी भोली सीता नींद की गोलियों की जगह आपको जहर मिला कर दे देगी तब सब ठीक होगा। सीता ये सुनकर शर्मन के सामने रोते हुए हाथ जोड़ती है। ना बाबू ना, ऐसा मत बोलो, मैं अपनी जान ले सकती हूँ मगर अपने माँ बाबा को एक खरोच तक नहीं आने दूंगी। मगर शर्मन को तो सीता की बोली से भी चिढ़ हो रखी थी। वह वहाँ से जाने लगता है कि तभी दरवाजे पर रानी को खड़ा देखता है। आज सालों बाद रानी और शर्मन एक दूसरे के सामने थे। रानी के पेट में बच्चा था। रानी प्यार भरी आंखों से अपने बचपन के साथी को पुकार रही थी मगर पूनम द्वारा शर्मन के मन में भरा नफरत का जहर तो उसे रानी की ओर भी नहीं देखने देता और वह उसकी ओर देखे बिना ही वहां से चला जाता है। रानी रोती हुई सीता को कमरे के अंदर ले जाती है और कुछ बातें कहती है। एक और गवारन आ गई, कहां फंस गई मैं। जीजी, मैंने सच में कुछ भी नहीं किया था, बस पता नहीं क्यों ये हर वक्त मुझ पर ही गुस्सा करते रहते हैं। कोई बात नहीं छोटी, सबसे पहले तो तू खुद को बदल और अब तू 18 बरस की होने वाली है तो थोड़ा सुंदर बनकर रहा कर। और रानी सीता का मेकओवर करती है और कर कर चली जाती है। शाम को शर्मन के हाथ में एक फाइल लिए घर आता है। उस दिन वह बड़ा ही खुश था। उसने जैसे ही दरवाजा खटखटाया वह देखता है कि सीता बहुत ही खूबसूरत एक जवान लड़की के रूप में थी। उसके लहराते सुंदर बाल में से चमेली के तेल की जगह महकी खुशबू आ रही थी। होठों पर लाली और माथे पर छोटी सी बिंदिया, पतली शिफॉन साड़ी से निकलती उसकी कमर शर्मन को सीता की ओर देखने के लिए मजबूर कर रही थी। हाय सीता। हेलो शर्मन। आज सीता ने शर्मन को बाबूजी भी नहीं बुलाया था और शर्मन ने सामने से सीता को पुकारा भी था। यह देख तो पूनम एकदम जल भूनकर राख हो गई थी। हाँ, इस बहन जी को इस बार तो मुझे रास्ते से साफ ही करना होगा।
पूनम, पूनम डार्लिंग कहाँ हो तुम? देखो जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं गाँव आया था, आखिर वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ लग ही गया। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। पूनम भी केवल ऊपरी खुशी दिखाती है। अच्छा पूनम, ये फाइल तुम अपने पास लॉकर में रखो, और हाँ संभाल कर रखना प्लीज, बहुत जरूरी है, एकदम तुम्हारी तरह। शर्मन पूनम का माथा चूम कर नहाने चला जाता है। और फिर जब सबसे खाना खाने बैठते हैं, तो सीता बिना कुछ बोले शर्मन की टेबल पर केसर वाली खीर रख देती है। शर्मन ये देखकर झूम उठता है। अरे वाह खीर, पर मैंने तो बताया नहीं था कि मुझे खीर पसंद है। वो मैंने बनाई है ये। चुप करो स्टूपिड, मैं जानता हूँ तुम्हें खीर बनानी नहीं आती है। और शर्मन खीर खाने लगता है। कुछ देर सीता किचन का काम करके जैसे ही पलटती है, उसके ठीक पीछे शर्मन खड़ा था। उसे देखकर सीता सहम जाती है। शर्मन गुस्से से उसकी ओर देखता है। खीर तुमने ही बनाई थी ना? वो नहीं, तो नहीं जीजी ने ही बनाई थी, कुछ गलती हुई क्या? अरे बहुत अच्छी बनी है, मुझे कटोरी में नहीं, मुझे तो पतीले में ही खानी है। और क्या मुझे पतीला मिल सकता है? और सीता शर्मन को पूरी खीर का पतीला दे देती है और वहीं से जाने लगती है। तभी शर्मन सीता का हाथ पकड़ लेता है। आज शर्मन ने पहली बार सीता को छुआ था, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि उसका दिल तो मुंह को ही आने वाला था। थोड़ी देर मेरे पास ही बैठो ना सीता। सीता तुम मुझे बुरी नहीं लगती हो, बस हम दोनों की शादी जैसे हुई है, मैं कभी तुम्हें अपना नहीं सका और अपना भी नहीं पाऊंगा, मगर मैं जानता हूँ कि इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। सीता तो बस शर्मन का बोलता चेहरा देख रही थी। तुम्हें बुरा लग रहा है ना सीता? आई एम सॉरी। नाना शर्मन, सॉरी नहीं बोलो, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, बस आप बोलते रहो, मैं तो केवल आपके बोलते होठों को देखना चाहती हूँ। इन 10 बरस में आपने पहली बार मुझसे इतनी बात की है, अच्छा लग रहा है, और बोलिए। शर्मन यह सुनकर चौंक उठता है। किस माटी की बनी हो तुम सीता? माटी की नहीं, सिंदूर से बनी है ये सीता। शर्मन के पास सीता की इस दीवानगी का कोई भी जवाब नहीं था। चलो आज से हम दोस्तों बन ही सकते हैं, और मैं तुम्हें अब कभी नहीं डांटूंगा। सच बाबू? बाबू नहीं, ओ सॉरी सॉरी शर्मन। सारी नहीं, सॉरी बोलो बुद्धू। अच्छा तुम्हें पता है तुम कितनी छोटी थी जब तुम मेरे साथ खेलने की जिद किया करती थी? और मैं क्या क्या करती थी? सीता और शर्मन हंसते हुए काफी देर तक बातें करते रहे, मगर यह जल कुकड़ी पूनम को तो भला कैसे बर्दाश्त होने वाला था। सीता और शर्मन में दोस्ती हो गई थी। अगले दिन सीता शर्मन की पसंद का खाना बनाकर अच्छे से तैयार होकर उसका इंतजार कर रही थी। आज शर्मन ये आलू मेथी चमन खाकर तो बहुत ही खुश होगा। और सीता एक कटोरी में सब्जी डालकर उसे लेकर दरवाजा खोलने जाती है। जैसे ही दरवाजा खोलती है, शर्मन तिल में लाया हुआ था। सीता के हाथ में रखी प्याली को जोर से फेंकता है। शर्मन! शोर से विजय और रेखा भी वहां आ जाते हैं। शर्मन बेटा क्या हुआ? शर्मन का चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। गवार देहातन अनपढ़ लड़की, तुझसे कभी कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती, तू किसी की दोस्ती तो क्या, इस घर में रहने के लायक तक नहीं है। और शर्मन सीता को जोर जोर से धक्के मारने लगता है। अरे बेटा हुआ क्या है, बता तो सही, क्यों मार रहा है बहू को? बाबू मत मारो ना मुझे, बहुत दर्द हो रहा है। बाबू 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 नहीं बनना, तुम जैसी नलायक और जाहिर लड़की का मुझे कुछ भी, तुम्हें पता भी है तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा कितना बड़ा नुकसान हुआ है। और शर्मन वह फाइल नीचे जमीन पर जोर से फेंकता है और सारे पन्ने हवा में इधर उधर उठते हैं, जो नीली स्याही से एकदम खराब हो रखे थे। पूनम के हाथ में एक पेज आता है। ये तो पूरी फाइल ही खराब हो गई है। शर्मन इस पर तो गंदी लिखावट में सीता और तुम्हारा नाम लिखा है, वो भी जगह जगह। तुझे पता भी है इस प्रोजेक्ट की कितनी अहमियत थी मेरे लिए, तेरे बाप के जितने पैसे नहीं है मेरे पास, मगर मेरे सपने बड़े हैं सीता, तुम यार चली जाओ यहाँ से प्लीज। शर्मन बहुत दुखी था और पूनम के साथ कमरे में चला जाता है। उस दिन शर्मन चाहता था कि पूनम उसे सीने से लगाकर उसकी उदासी मिटाए। अरे यार शर्मन, ये तो रोज रोज का ड्रामा हो गया है तुम्हारे घर का, मैं तो थक गई यार, चलो तुम भी सो जाओ, गुड नाइट। और पूनम तो मजे से बिस्तर पर लुढ़क जाती है। शर्मन बेचैन सा वहीं बैठा रहा। पूनम बड़ी ही खुश थी। लगता है इस बार तो शर्मन बाबू की जिंदगी से बहन जी सीता एकदम गायब हो गई। वुहू। पूनम अलमारी से फाइल निकालती है और एक गांव वाले पेन से उसकी पूरी फाइल पर ढेर सारे इंक डाल देती है। पूनम उल्टे हाथ में पेन पकड़कर पन्नों पर सीता और शर्मन का नाम भी लिखती है। ये जो किया सब सीता ने ही किया, कितना गलत किया तुमने सीता। सीता चौक में बड़ी बड़ी रो रही थी। उसने कुछ कागज उठाए, उनसे अपने आंसू पोंछे और उन्हें मुट्ठी में भींच कर छत पर चली गई। अगले दिन घर में एकदम खामोशी सी थी। जो सीता हमेशा चहकते हुए घर में रौनक रखती थी, वह बस घर के कोने में पड़ी रहने लगी। दिन बीतते गए। शर्मन अब सीता की ओर देखता भी नहीं था।
आखिर एक दिन सीता ने वह घर छोड़ने का फैसला ले ही लिया। शाम का समय था। पूनम और शर्मन यह जानकर कि देहातन उनके घर से जा रही है खुश होते हैं। फटेली सीता शर्मन के पांव छूने उससे मिलने जाती है, मगर तभी शर्मन अपनी लात फटकार कर उसे दूर कर देता है। सीता शर्मन के जूते की माटी छूकर ही खुश हो जाती है और पूनम को दो कंगन देती है। आप दोनों की जोड़ी सलामत रहे, आप मेरे बाबू को बड़ा ही खुश रखोगी जीजी। हाँ चल चल जा यहाँ से अब। और कुछ देर बाद सीता हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। अचानक दरवाजे की घंटी बजती है। शर्मन दरवाजा खोलता है तो सामने रानी खड़ी थी। रानी की गोद में उसका बच्चा था और पास में एक बड़ा सारा बक्सा। हेलो शर्मन, चली गई ना वो? पर उसने मुझे तुम्हारी अमानत तुम तक पहुँचाने के लिए कहा था, ये लो। और हाँ शर्मन, एक चीज याद रखना, तुमने चमकते सोने के लालच में कोयले से ढका हीरा खो दिया है। रानी पूनम की ओर घूर कर देखती है और चली जाती है। शर्मन को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वह बक्सा खोलता है तो उसके अंदर गांव की प्रसिद्धि और कलाकारी से भरी मूर्तियां, खिलौने और ना जाने कितना कुछ रखा था। ये सब कचरा क्या है शर्मन? पूनम, ही कचरा नहीं, मेरा सपना है, यही तो मेरा प्रोजेक्ट था, गांव में छिपे ऐसे टैलेंट को इंटरनेशनल मार्केट में लाने का। मगर ये सब सीता ने कैसे? उस सीता की बच्ची ने तो, उसे अब तो मैं उसके घर में घुसकर मारूंगी। रेखा और विजय का सब्र का बांध अब टूट चुका था। ए शहरी मेमनी, ये मैं बंद कर अब। लड़की अपनी भलाई चाहती है तो कमरे में चली जा, और तुम और शर्मन शहरी लौट जाओ। हाँ बेटा, हम गांव के साधारण लोग हैं, तुम्हारे जैसे कभी नहीं बन सकते, तू चला जा इस मेमनी को लेकर। मेमनी, यहाँ सबके सब पागल है क्या? हाँ। पूनम कमरे में चली जाती है। बेटा तू जानना चाहता है ना, सीता हमें इतनी क्यों प्यारी है? जब तू यहाँ नहीं था तो वो हमारी बहू नहीं बेटा बनी थी। इतनी नन्ही सी आई थी, और देखो ना रेखा कितनी बड़ी हो गई वो। तेरे बाबूजी का एक्सीडेंट हुआ था, सीता ने बिना कुछ बोले उन्हें अपना खून दिया था और तुझे अनाथ होने से बचाया था। उस दिन उसका खुद का हाथ टूटा होने पर भी वह मुझे संभाल रही थी। और रेखा, हाथ भी तो सीता का इस मैमनी की वजह से टूटा था, इनके भारी भारी सामान उठाने से। शर्मन को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह भी कमरे में लौटता है। तभी वह अलमारी खोलकर अपना बैग निकाल रहा था तो उसे हाथ पूनम की लिखावट में नींद की गोलियों वाली पर्ची लगती है। तभी उसकी नजर पेंक और इंक पॉट पर पड़ती है। शर्मन उन्हें उठाकर पूनम को दिखाता है। पूनम क्या है ये सब? ये तो वो जरूर सीता ने रखा होगा। तभी शर्मन पूनम की जोरदार तमाचा लगा देता है। अब मैं समझा कि सब तुमने किया था, और नाम लगाया उसका। उस बेचारी को तो लिखना पढ़ना आता भी नहीं है, और ये सब तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं उस बेचारी भोली सीता से नफरत करूं। मगर इस चक्कर में तुम भूल गई कि मेरे लिए मेरा काम कितना जरूरी था। ना तुम मेरे माँ बाबा का सहारा बन सकी, ना मेरा पूनम। शादी के बाद की तो मैं तुमसे उम्मीद ही क्या करूं। नहीं शर्मन। चुप, एकदम चुप, और निकल जाओ मेरे घर से और मेरी जिंदगी से तुम। शर्मन बाहर आकर सीता के भेजे बक्से के पास बैठकर रोता है। सीता मुझे माफ कर दो, जो मैं ऐसी देवी सी पत्नी की कदर ना कर सका। वापिस आ जाओ सीता, वापिस आ जाओ। तभी शर्मन के कानों में खनकती चूड़ियों की आवाज आती है और शर्मन उस आवाज का पीछा कर छत तक पहुंच जाता है। तभी वह देखता है कि छत पर रात के अंधेरे में कोने में छोटी सी प्यारी सी सीता बैठकर रो रही थी और अपना गुड्डा सहला रही थी। कोई बात नहीं बाबू, मैं आपके बिना रह लूंगी, बस आप खुश रहना। तभी शर्मन जाकर सीता को अपने सीने से लगा लेता है। सीता, तुमने मेरे दिल में आज अपना घर आखिर कर ही लिया, मुझे माफ करना, मैंने जब जब भी तुम्हें चोट पहुंचाई है उसके लिए। सीता शर्मन के पांव छूती है। नहीं शर्मन, चोट नहीं, बस मेरे भगवान की डांट थी, वो तो मैंने प्यार समझकर स्वीकार कर ली थी। अच्छा शर्मन नहीं, मुझे बाबू बुलाओ। और दोनों वहीं छत पर बैठकर आसमान निहारते हैं। तभी शर्मन रानी वाली कांच की चूड़ियां सीता के हाथ में देखता है तो यह है। ये चूड़ियां तुम्हारे पास कैसे? यह तो मुझे रानी जीजी ने दी थी, और शर्मन उन्होंने ही मुझे आपके काम के बारे में बताया था, तब मैं समझी थी कि ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ। ये काम नहीं सीता, तुम सारा काम कर सकती हो, तुम बहुत गुणी हो, तुमने कितने रिश्तों को कमाया है सीता, और अब से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, हम हर चीज में बराबर की भागीदारी भी रखेंगे। सच्ची? मुच्ची। शर्मन सीता को अपने सीने से चिपका कर रात भर सहलाता है। अगले दिन रानी उनके घर पर आती है। शर्मन रानी को थैंक्स कहता है। अपना वादा याद है ना शर्मन? हाँ याद है। और शर्मन बैग से शहर से लाए हुए जेवर अपने हाथों से सीता को पहनाता है। सीता बड़ी खुश होती है। तभी पूनम अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चुपचाप निकलने लगती है। तभी सीता उसे रोकती है। रुक जाओ पूनम, जाते जाते मेरी वो कंगन तो लौटा दो। ये सुन सब हंसने लगते हैं। अब बनी है ना मेरी वाली सीता, तेज तर्राट।
अब कुछ दिन बाद सीता का 18वां जन्म भी धूमधाम से बनाते हैं और उस दिन बालिका वधू एक समझदार वधू के रूप में शर्मन का हाथ एक बार फिर से थाम लेती है। हैप्पी एंडिंग। ऐसी ही छोटी छोटी कहानियों के रूप में सीरियल का मजा लेने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल लव सिटी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।